नमस्कार दोस्तों, 10 महाविद्याओं में से देवी छिन्नमस्तिका छठी महाविद्या है। छिन्नमस्ता शब्द दो शब्दों के योग से बना है। पहला छिन्न अर्थात अलग, मस्ता अर्थात मस्त। इस तरह जिनका मस्तक देह से अलग है वो छिन्नमस्तिका कहलाती है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। मोटिवेशन भी तो चाहिए। 10 महाविद्याओं में से एक माता छिन्नमस्ता के एक हाथ में अपना ही कटा हुआ सिर है तथा दूसरे हाथ में कटार है। छिन्नमस्तिका या प्रचंड चंडिका भी इन्हीं के नाम है। सभी देवी देवताओं से अलग देवी छिन्नमस्ता का स्वरूप है। छिन्नमस्ता देवी तीनों गुणों सात्विक, राजसिक तथा तामसिक का प्रतिनिधित्व करती है। छिन्नमस्ता पूजा द्वारा आपको बेहतर स्वास्थ्य और खुशियों का आशीर्वाद मिलता है। यह पूजा सभी तरह की नकारात्मक शक्ति से आपकी रक्षा करती है। छिन्नमस्ता पूजा से आपके जीवन में आने वाली समस्याएं दूर होती है। किद्वंती है कि एक बार माँ भगवती मंदाकिनी नदी में अपनी सहचरियों जया और विजया के साथ स्नान ध्यान कर रही थी। उसी समय माँ की सहचरियों को तीव्र गति से भूख लगी। भूख की पीड़ा के चलते दोनों सहचरियों का चेहरा मलिन हो गया। जब दोनों को भोजन हेतु कुछ नहीं मिला तो उन्होंने माता से भोजन की व्यवस्था करने की याचना की। सहचरियों की मांग को सुनकर माँ बोली, हे सखियों, आप थोड़ा धैर्य रखें। स्नान करने के पश्चात आपके भोजन की व्यवस्था की जाएगी। हालांकि दोनों सखी तत्काल भोजन प्रबंध करने की मांग करने लगी। माँ भगवती ने तत्काल अपने खड्ग से अपना सिर काट लिया। तत्क्षण माँ भगवती का कटा सिर उनके बाएं हाथ में आ गिरा। इससे रक्त की तीन धाराएं निकली। दो धाराओं से सहचरियों आहार ग्रहण करने लगी। वहीं तीसरी रक्त धारा से माँ स्वर्ण रक्त पान करने लगी। उसी समय माँ छिन्नमस्तिका का प्रादुर्भाव हुआ। जय माता दी। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।